राज्य के गवर्नर यानी यूएस राज्य के गवर्नर क्रिस्टी नोएन द्वारा मंगलवार यानी 30 नवंबर को एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अमेरिकी राज्य साउथ डकोटा ने उपयोगकर्ता डेटा के लिए खतरों का हवाला देते हुए सरकार के स्वामित्व वाले उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ समझे आप? आसान भाषा में बताओ तो गवर्नमेंट डिवाइसेस जितने भी हैं, उसमें से टिकटॉक को बैन कर दिया। यानी गवर्नमेंट डिवाइस साउथ डकोटा में जितने भी गवर्नमेंट डिवाइसेस होंगे उसमें टिकटॉक नहीं होगा, उसमें टिकटॉक पूरी तरीके से बैन होगा। नोएम जो गवर्नर क्रिस्टी नोएम है, उन्होंने आगे कहा कि चीनी कम्युनिटी पार्टी टिकटॉक पर इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल अमेरिकी लोगों से छेड़छाड़ करने के लिए करती है और वे उन डिवाइसों से डेटा इकट्ठा करती है जो प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। टिकटॉक का स्वामित्व एक चीनी कंपनी बाइट डांस के पास है, जिसने 2020 में अपना मुख्यालय सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन नवीनतम निर्णय से पहले भी अमेरिका में टिकटॉक के संचालन को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा गया जाता है, क्योंकि ऐप ने पिछले कुछ वर्षों में केवल अपूर्व वायरलिटी और समर्पित उपयोगकर्ता प्राप्त किए, यानी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही अट्रैक्ट किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की वकालत भी की थी, पर अमेरिकी संचार नियामक एजेंसी के प्रमुख ने एक बार ऐप पर भारत के प्रतिबंध का हवाला यानी इंडिया का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से भारत ने ऐप पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और इसकी वकालत की थी। पर अमेरिकी संचार नियामक एजेंसी के प्रमुख ने एक बार ऐप पर भारत के प्रतिबंध का किस तरीके से हवाला दिया हम जानते हैं। ऑनलाइन ऐप डाउनलोड स्टोर से इसे हटाने की भी मांग की गई थी। टिकटॉक अमेरिकी सरकार के रडार पर हमेशा से ही रहा है, क्योंकि इसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं के बीच। अमेरिकी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया दिग्गजों जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के प्रभुत्व वाली परिदृश्य में हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब में टिकटॉक से बने हुए ही आजकल अपलोड होते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ऐप की जाँच की जा रही है, जब यूएस में विदेशी निवेश पर समिति या साइफस ने ऐप की मूल कंपनी बाइट डांस लिमिटेड और म्यूजिकली के बीच विलय की समीक्षा शुरू की। टिकटॉक के चीन मूल के साथ और इस चिंता के साथ कि चीनी कंपनियां अधिक चीनी सरकार के नियंत्रण में हो, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐप की शुरुआती आलोचक बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकटॉक अमेरिकी यूजर्स की जानकारी चीन सरकार को दे सकती है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या यूएस पूरी तरीके से टिकटॉक बैन करता है नहीं, जैसे भारत ने कर दिया है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वो भी न्यूज के साथ।